नर्मदे हार, नर्मदा मैया की और शिवराज भैया की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए और विशेष करके खरगोन जिले के झिरनिया, भिकनगांव, बमनाला और संपूर्ण बड़वा सहित संपूर्ण जिले के लिए खुशी का दिन है, ऐतिहासिक दिन है कि हमारे झिरनिया में गांव गरीब और किसानों के मसीहा, ये बहने बेटी, बहनों के भैया, बच्चों के मामा, युवाओं के हृदय सम्राट और मध्य प्रदेश के भाग्य विधाता, 7.5-8 करोड़ जनता की आंखों के तारे और हम सबके मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान झिरनिया पधारे हैं। मैं यहाँ का पालक मंत्री हूँ, आपके आशीर्वाद से प्रभारी मंत्री का दायित्व दिया है। मैं संपूर्ण जिले की ओर से, जिला प्रशासन, जनता, भारतीय जनता पार्टी, सभी जनप्रतिनिधियों की ओर से, मीडिया की ओर से आपका झिरनिया की धरती पर स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि जोरदार ताली बजाकर माननीय लाडले मुख्यमंत्री शिवराज जी का अभिनंदन करें। जोरदार तालियां, एक बार हाथ उठाकर खड़े होकर, खड़े हो जाए अपने अपने स्थान पर, जोरदार ताली बजाए। आज वो झिरनिया को मिलने वाला है जो झिरनिया की जनता आजाद भारत के 75 साल से तरस रही थी, वो आज हमारे लाडले मुख्यमंत्री वो प्यास बुझाने वाले हैं। इस खरगोन जिले की जनता की, झिरनिया की जनता की, गांव गांव के हमारे वनवासी भाई और बहनों की, और इसलिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आज के इस करोड़ों रुपए की सौगात लेकर वो आए हैं, अभी 321 करोड़ 80 लाख का झिरनिया की धरती से एक बटन दबाकर विद्युत मंडल का, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा विद्युत 132 केवी का सब स्टेशन, 3311 के सब स्टेशन और बिजली की व्यवस्था करने के लिए पूरे प्रदेश की है, उसमें 42 करोड़ की झिरनिया की जो सबसे वर्षों से मांग थी कि एक सब स्टेशन हो जिससे बिजली पूरे पावर के साथ, फुल वोल्टेज के साथ गांव गांव, खेतों तक, घर घर पहुंच जाए, उसका लोकार्पण किया है। एक बार पुनः जोरदार ताली बजाकर झिरनिया की जनता मुख्यमंत्री का आभार प्रदर्शन करें। इसी के साथ संबल योजना जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने वो कहते थे खाली खजाना है, पैसे ही नहीं है, इस गरीबों के कल्याण की जो मुख्यमंत्री शिवराज जी ने योजना बनाई थी संबल योजना, जिससे करोड़ों रुपए गरीबों को मिले हैं, उनका जीवन संवरा है, वो बंद कर दी थी। और इसलिए प्रदेश की गरीब माता बहने, कल्याणी माताएं, गरीब, उन्होंने बद्दुआएं दी कमलनाथ को, सरकार को, वो हटे और पुनः शिवराज सिंह जी को शुभकामनाएं दी, दुआएं दी, तो वापस मुख्यमंत्री बने और उन्होंने वो संबल योजना वापस प्रारंभ कर दी। और आज झिरनिया की धरती से 321 करोड़ रुपया एक बटन दबाकर उन्होंने गरीब माता बहनों को सहारा देने के लिए, संबल देने के लिए, संबल योजना से एक बटन दबा के पूरे प्रदेश के 321 करोड़ गरीब लोगों तक पहुंचा दिया उनके खातों के अंदर। जोरदार ताली बजाकर इसके लिए भी अभिनंदन करें। इसमें हमारे खरगोन जिले की, झिरनिया की गरीब जनता को भी संकट के समय संबल देने का काम हमारे परिवार के मुखिया, 8 करोड़ जनता की आंखों के तारे शिवराज जी, लाडले बेटे, सबके भैया मामा, उन्होंने दिए हैं, उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और ये देख रहे हैं आप, इधर देख रहे हैं,
शिलान्यास और भूमि पूजन और लोकार्पण के पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं। ये सिर्फ झिरनिया भीकन गांव के नहीं, पूरे जिले के 173 करोड़ के भूमि पूजन और लोकार्पण अलग से झिरनिया और खरगोन जिले के लिए, भीकन गांव के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज किया है। ये विकास की गंगा बहाई है। आज का दिन झिरनिया के इतिहास में सबसे बड़ा दिन है और सबसे बड़ी सौगात लेकर मुख्यमंत्री जी आप आए हैं। मैं पूरे जिले की ओर से आपका पुनः अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं और एक बार पुनः समस्त नागरिकों से निवेदन करता हूं कि जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री का अभिनंदन आभार व्यक्त करें। मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और हमारे युवा मोर्चे के पूर्व अध्यक्ष युवा नेता भाई जीतू जिराती जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और हमारे खरगोन के लोकप्रिय सांसद भाई गजेंद्र पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के युवा अध्यक्ष भाई राजेंद्र राठौर जी, हमारे जिले के सभी पदाधिकारीगण, पूर्व अध्यक्षगण, महामंत्रीगण और झिरनिया भीकन गांव विधानसभा के पूर्व विधायक मेरे अभिन्न मित्र मेरे साथ विधानसभा में खूब संघर्ष किया है, ऐसे भाई दूल सिंह चौहान जी, बहन नंदा ब्राह्मण जी, हमारे बाबूलाल महाजन जी पूर्व विधायक, भाई रंजीत डंडी जी, ममराज पवार जी, बिहारी मोरे जी, श्रीमती रुकमा बाई, अशोक सोनी जी महामंत्री, नूर सिंह चौहान जी, अनिल गुप्ता जी, नीति राज सिंह जी तोमर, ओम खेड़े जी, हेवलराम चौहान जी, अमर सिंह पटेल जी, सुंदर बारेले जी सहित सभी कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि और समस्त जनता, मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं। देश के सबसे संवेदनशील मुख्यमंत्री, सबसे सरल मुख्यमंत्री, सबसे सहज मुख्यमंत्री, हर नागरिक को लगता है कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मेरा भाई है। बच्चों को लगता है, बहनों को लगता है मेरा मामा है, बुजुर्गों को लगता है कि मेरा श्रवण बेटा है, युवाओं को लगता है हमारा युवा साथी है, किसानों को लगता है कि हमारे लिए तो भगवान का रूप है, सगे भाई से भी ज्यादा। अगर किसानों के लिए, गरीबों के लिए कोई मुख्यमंत्री है तो हमारे लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी हैं। मैं सगे भाई से ज्यादा इसलिए कहता हूं कि दो भाई सगे हैं, हम इकट्ठे हैं जब तक तो एक दूसरे के लिए जान देते हैं, अलग होने के बाद उसकी जमीन अलग, मेरी जमीन अलग। अब मेरी फसल नहीं हुई और मेरे बेटे या बेटी की शादी आ गई और मुझे पैसे की जरूरत पड़ी तो मैंने मेरे भाई से मांगा कि भैया उधार दे दो जरा 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, मेरे यहाँ तो फसल नहीं हुई, शादी है। तो कहेगा भाई ये तू मेरा सगा ले ले, लेकिन यार महाजनी ब्याज तो लूंगा, 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए सैकड़ा जो दूसरे साहूकार लेते वो तो नहीं, पर तेरे से महाजनी ब्याज, बैंक का ब्याज तो लूंगा। कहते कि नहीं कहते बताओ, हाथ उठा के। कोई बगैर ब्याज के देता अलग होने के बाद सगा भाई भी, हाँ या ना में जवाब दो भाई। लेकिन ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ऐसे सगे भाई हैं पूरे मध्य प्रदेश के किसानों के, गरीबों के, कि खेती करने के लिए जो बैंक से हम ऋण लेते हैं कांग्रेस के शासन में 18% ब्याज, फिर अगर एक साल नहीं दिया तो दंड ब्याज, जमीन नीलाम हो जाती थी, मजदूर बना देते थे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 0% ब्याज पर ऋण दिया, वाला बगैर ब्याज का ऋण, 1 लाख ले जाओ फसल आ जाए जब जमा कर दो, 1 लाख, 1 रुपया भी ब्याज नहीं भरना। ब्याज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी किसानों की ओर से पूरे प्रदेश के लोगों का भरते हैं करोड़ों रुपया, और इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी का किसानों की ओर से भी अभिनंदन करता हूं और किसान भाइयों से निवेदन करता हूं जोरदार ताली बजाकर अपने सगे भाई का आप स्वागत करें, क्योंकि वो आपके बीच में आपको और सौगातें देने आए हैं। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए
अपने लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का मेरे प्रभार जिला खरगोन में स्वागत करता हूं, और जिस उम्मीद और विश्वास से आपने मुझे प्रभारी मंत्री बनाया है, मैं इस खरगोन जिले का सर्वांगीण विकास करने में, और एक बात और कह रहा हूं, जैसे ही मैं प्रभारी मंत्री बना, मैंने कलेक्टर को निर्देश दिया कि आपकी समस्या का हल आपके घर घर पहुंचे, आपकी समस्याओं का हल होगा, यानी आपका गरीबी रेखा का कार्ड घर बैठे बनेगा, आपकी विधवा पेंशन घर बैठे मिलेगी, आपका जाति प्रमाण पत्र घर बैठे मिलेगा, आपका संबल कार्ड घर बैठे बनेगा, आपका आयुष्मान कार्ड घर बैठे बनेगा, आपको वृद्धावस्था निराश्रित पेंशन घर बैठे मिलेगी, आपका नामांतरण बंटवारा घर बैठे होगा, एक नया पैसा नहीं लगेगा, न पंचायत में जाना, न जनपद में, न जिले में, न तहसील, न एसडीएम, न कलेक्टर। ये सरकार गांव गरीब और किसानों की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में घर पहुंच सेवा, निशुल्क सेवा हम देंगे और सुशासन लाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और ये हमने शुरू कर दिया है। सर्वे का काम माननीय मुख्यमंत्री जी शुरू हो गया है, और घर बैठे आपसे आवेदन कराएंगे, और घर बैठे आपको प्रमाण पत्र सब देंगे। और एक सबसे बड़ी गांव के लिए योजना प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, जो गांव हमारे बसते हैं मंजरे टोले गांव, वो आबादी में है लेकिन हम मालिक नहीं है, हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में 2 अक्टूबर 2008 को हमने हरदा से मसन गांव को सबसे पहले दिया, फिर उससे मुख्यमंत्री आवास योजना बनी, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना बनी, जो 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बने, तो उसके लिए हमारे शिवराज सिंह चौहान जी की योजना है मुख्यमंत्री आवास योजना, उसको प्रधानमंत्री योजना में बदला, पक्के मकान बना के देने। और उसके बाद अब आबादी का मालिकाना हक 6 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी के जन्म उत्सव में हरदा से वो प्रारंभ करेंगे, पूरे प्रदेश में एक एक गाँव का घर का सर्वे होगा ड्रोन कैमरे से। यहाँ भी हो गया माननीय मुख्यमंत्री जी, झिरनिया में भी गाँव गाँव सर्वे चल रहा है, 8 पंचायतों का हो गया है, बाकी का भी होना है, और वो प्रमाण पत्र मिलने से गांव के कलेक्टर गाइडलाइन से आपकी प्लाट की, आपकी मकान की कीमत हो जाएगी, जिससे अब आप सिर्फ खेती के लिए नहीं, अब आप व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए, उद्योग के लिए ऋण ले सकते हैं, 40% की सब्सिडी ले सकते हैं, जो शहर के लोगों को अधिकार था आजादी के 75 साल तक, वो आपने पूरे देश के लोगों को फायदा पहुंचवाया है, आपने जो योजना बनाई और प्रधानमंत्री जी ने उनको पूरे देश में लागू किया, और इसलिए गांव को सही मायने में आजादी शिवराज सिंह चौहान जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिलाई है, आजादी के 73-75 साल बाद अब गांव के विकास के द्वार खुलेंगे, गांव की तकदीर और तस्वीर बदलेगी, दशा और दिशा बदलेगी, दो हाथ को काम मिलेगा, महिलाएं को रोजगार मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, और गांव का किसान का बेटा अब सिर्फ खेती नहीं, व्यापार व्यवसाय उद्योग भी लगाएगा, और व्यापारी उद्योगपति बनेगा, जो बिचौलिए कमाते थे वो किसान कमाएगा, गांव का बेटा, और गांव आत्मनिर्भर बनेगा तो देश आत्मनिर्भर बनेगा।